दोस्तों, इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी अपने दस्तानों को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं और जिस कारण आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने आ गई हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत हुई थी 5 जून 2019 को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए वर्ल्ड कप के मैच से। दोस्तों, इस मैच के दौरान धोनी ने जो ग्लव्स पहने थे उस पर भारतीय पैराट्रूपर के बलिदान बैज का लोगो छपा हुआ था। दोस्तों, जिस पर आईसीसी ने आपत्ति जताई है कि कोई भी खिलाड़ी धार्मिक राजनीतिक चीजों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, दोस्तों, जबकि ये बैच इन चीजों से कहीं परे है। दोस्तों, दरअसल धोनी को अच्छे क्रिकेट प्रदर्शन के कारण भारतीय सेना में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली हुई है ताकि वे भारतीय युवकों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इस समय धोनी भारतीय पैराट्रूप रेजिमेंट का हिस्सा है और इन्होंने बलिदान बैज बड़े ही मेहनत से कमाया है और इस बलिदान बैज के सिंबल के लिए धोनी ने आईसीसी से पहले परमिशन भी ले रखी है। दोस्तों, चलिए, ये तो बात थी कंट्रोवर्सी की। दोस्तों, अब बात करते हैं बलिदान बैज की ट्रेनिंग और अहमियत के बारे में। दोस्तों, बलिदान बैज केवल पैराट्रूपर रेजिमेंट के जवानों को ही दिया जाता है। दोस्तों, पैराट्रूपर रेजिमेंट को भारतीय सेना में सन 1966 में जगह मिली थी। दोस्तों, पैराट्रूपर बनना सेना के हर जवान का सपना होता है और दोस्तों, पैराट्रूपर के लिए सिर्फ इंडियन आर्मी के जवान ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, और एक पैराट्रूपर बनने के लिए बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसमें जवान को फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें जवान को भूखा जंगलों में छोड़ दिया जाता है और उसे वहाँ पर उपस्थित आसपास की चीजों को खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। और इस 3 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद जवानों को आगरा स्थित पैराट्रूपर स्कूल में आगे की ट्रेनिंग दी जाती है। पैराट्रूपर स्कूल की इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 5 हवाई जंप लगानी होती है, जिनमें से एक जंप रात के घने अंधेरे में लगानी होती है और जिसके बाद जवानों को पैराट्रूपर की गुलाबी टोपी मिलती है। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि बलिदान बैज पाने के लिए जवानों को एक रम का ग्लास दिया जाता है और रम पीने के बाद जवानों को ग्लास का एक टुकड़ा तोड़कर चबाकर उसे निगलना होता है, तब जाकर मिलता है बलिदान बैज। और दोस्तों, इसीलिए पैराट्रूपर्स को ग्लास ईटर भी कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, पैराट्रूपर आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं पर उन्हें बिना हथियारों के लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, ये है बलिदान बैज पाने का तरीका। आप भी अपनी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट कीजिए और भारत को गौरवान्वित कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।